हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल। गाइज, आज के वीडियो के अंदर अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। अप्रॉक्सीमेट 100 क्वेश्चंस होंगे इस वीडियो के अंदर, जो सभी के सभी रिलेटेड अपने पाचन तंत्र से संबंधित है या डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित है। गाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो गाइज, शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से। तो सबसे पहले गाइज, अपने एक और व्यू देख लेते हैं अपने पाचन तंत्र के बारे में। देखिएगा गाइज, और व्यू की बात करें तो इसकी अगर अपन बात करें टोटल आहारनाल की लंबाई कितनी होती है। पाचन तंत्र होता है उसमें आहारनाल का प्रमुख उपयोगी है। तो आहारनाल की बात करें तो गाइज ये होता है 8 से 10 मीटर होती है। ठीक है, 8 से 10 मीटर होता है। अगर फिट के अंदर अपन बात करें तो ये होते हैं 28 से 33 फीट होती है। 28 से 33 फीट होती है। अप्रॉक्सीमेट आपको देखने को मिलेगा 10 मीटर लंबाई होती है। इसके अंदर अगर बात करें तो गाइज, इसमें से 6 मीटर की अपन बात करें, 6 मीटर तो होता है अपना छोटी हाथ, और इसके अंदर 1.5 मीटर होता है अपना बड़ी हाथ, बाकी 7.5 मीटर तो ये हो गया। और अपने अगर बात करें गाइज, 10 मीटर में से जो शेष बच गया वो किसके अंदर आ जाता है, वो अपना हो जाता है ग्रसनी वगैरह हो गया, ग्रास नाल हो गया, आमाशय हो गया, उसके अंदर कवर हो जाता है। ठीक है, छोटी आंत की लंबाई होगी 6 मीटर और बड़ी आंत की लंबाई होगी 1.5 मीटर। बाकी कुछ थोड़ा और देख लेते हैं इसके अंदर, इसके चरण देख लेते हैं। मानव पाचन तंत्र की प्रक्रिया में शामिल चरणों का सही अनुक्रम बताइएगा। देखिए गाइज, यदि पाचन तंत्र के सीक्वेंस की बात करें तो सबसे पहले इसके अंदर होता है अंतःग्रहण। अंतःग्रहण को गाइज इंग्लिश के अंदर बोला जाता है इंजेशन, INGESTION। सबसे पहले अंतःग्रहण होता है। अंतःग्रहण के बाद में गाइज होता है पाचन होता है, पाचन को बोला जाता है गाइज डाइजेशन। ओके गाइज, और नेक्स्ट स्टेप जो अपनी क्या होती है, वो होती है अवशोषण होती है। अवशोषण को इंग्लिश में बोला जाता है गाइज एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन बोला जाता है। नेक्स्ट होता है आत्मसात होता है, आत्मसात को बोला जाता है इंग्लिश के अंदर असिमिलेशन, ASSIMILATION। ठीक है, और जो लास्ट होता है विसर्जन होता है, इसको बोला जाता है गाइज डिफोकेशन, DEFOECATION। ठीक है, तो अपना पहला क्वेश्चन ये था कि मानव पाचन तंत्र की प्रक्रिया में शामिल चरणों का सही अनुक्रम व्यवस्थित कीजिएगा। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो सबसे पहले होता है इंजेशन, उसके बाद में डाइजेशन, डाइजेशन के बाद में एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, और लास्ट में होता है डिफोकेशन। ठीक है, ये सीक्वेंस गाइज आप लोगों को याद में रखनी है, एग्जाम में बहुत बार यहाँ से सीक्वेंस पूछ ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, शरीर के किस अंग में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। देखिए गाइज, यहाँ से आपसे पूछा गया प्रोटीन का पाचन पूछा गया है। ऑप्शन आप लोगों के सामने अग्नाशय, पेट, पेट को आप आमाशय भी बोल सकते हो गाइज, पेट है इसको आप आमाशय भी बोल सकते हो, छोटी आंत होगी, बड़ी आंत होगी। ठीक है, अग्नाशय को पेनक्रियाज बोला जाता है, आमाशय हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। तो गाइज प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा आमाशय से शुरू होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आमाशय से प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के किस हिस्से में भोजन अवशोषित होता है। ध्यान दीजिएगा गाइज, किस क्या पूछा गया आपसे, भोजन का अवशोषण पूछा गया है, आपसे जल का अवशोषण नहीं पूछा गया है। भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है गाइज, छोटी आंत, बड़ी आंत, पेट या यकृत। गाइज भोजन का अवशोषण होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ध्यान दीजिएगा, भोजन का अवशोषण होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और जो जल का अवशोषण होता है गाइज वो होता है बड़ी आंत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा नहीं किया हो तो, और डेली बेसिस के ऊपर अपन टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस कवर करेंगे, चाहे अपनी साइंस हो चाहे अपनी जीके हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है। HCl के बारे में पूछा गया गाइज, जो कहाँ से स्रावित होता है, ये होता है आमाशय से स्रावित होता है। ध्यान रखिएगा, आमाशय से स्रावित होता है। यह पेप्सिन एंजाइम को प्रभावी बनाता है, यह भोजन के साथ पेट में प्रवेश कर सकने वाले बैक्टीरिया को मारता है। HCl का काम क्या गाइज, बैक्टीरिया को मारता है और पेप्सिन एंजाइम है उसको सक्रिय करता है। तो गाइज यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दोनों के दोनों। गाइज आमाशय से जो HCl स्रावित होता है उसका कार्य है पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करना, और जितने भी बैक्टीरिया प्रवेश करते हैं, जितने भी जीवाणु प्रवेश करते हैं उनको बांधना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथियां का नाम बताइएगा। पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम से जो जो ग्लैंड्स जुड़ी हुई है उनका नाम बताना है आपको। लार ग्रंथि, अग्नाशय, लार ग्रंथि, यकृत, यकृत, अग्नाशय, लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। क्वेश्चन नंबर 6 अपना करेक्ट आंसर बनेगा गाइज ऑप्शन नंबर डी। लार ग्रंथि होती है यकृत, यकृत को बोला जाता है लीवर, अग्नाशय को बोला जाता है गाइज पेनक्रियाज। तो अपनी जो पाचन तंत्र है उससे कौन कौन सी ग्रंथियाँ जुड़ी हुई है, लार ग्रंथि हो गई, लीवर हो गया और अपना अग्नाशय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत यानी लीवर के द्वारा निकलने वाला बाइल जूस का काम क्या है। देखिए गाइज, हमेशा आपको ध्यान में रखना है, बाइल जूस होता है जिसको हिंदी के अंदर बोला जाता है गाइज पीतरस। इसका श्रावण हमेशा कहाँ से होता है गाइज, श्रावण होता है इसका हमेशा लीवर से होता है। लीवर को आप यकृत भी बोल सकते हो, इसको आप जिगर भी बोल सकते हो। ठीक है, और इसका श्रावण हो गया लीवर से, और गाइज इसका स्टोर कहाँ से होता है, इसको कहाँ पे इसका भंडारण किया जाता है, स्टोर किया जाता है इसको गाइज गॉल ब्लैडर के अंदर।
गॉल ब्लैडर के अंदर। गॉल ब्लैडर को अपन बोल सकते हैं पित्ताशय। ध्यान में रखना है लीवर के द्वारा बाइल जूस का श्रवण होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर इसका स्टोर किया जाता है। अब ये बाइल जूस का काम क्या है? भोजन को क्षारीय बनाना, भोजन को अम्लीय बनाना, भोजन को तोड़ना, या इनमें से कोई नहीं? गाइज यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोजन को क्षारीय बनाते हैं। गाइज अमाशय होता है, अमाशय के अंदर अम्लीय का श्रवण होता है, अमाशय होता है उसके अंदर अम्ल का श्रवण होता है जो HCl होता है, और लीवर होता है वहाँ से क्षार का श्रवण होता है। तो ये क्या करता है, जो भी दोनों बाद में न्यूट्रल करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको पता होना चाहिए बाइल जूस का काम क्या है, भोजन को क्षारीय बनाना, अमाशय का काम क्या है, भोजन को अम्लीय बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में मौजूद सबसे सख्त सामग्री का नाम बताएगा। सबसे हार्ड एलिमेंट कौन सा है ह्यूमन बॉडी के अंदर? डेंटिन, पल्प, इनेमल, या इनमें से कोई? इनेमल नहीं होता, ये होता है इनेमल, दांतों के अंदर पाया जाता है। गाइज यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शरीर के अंदर मौजूद सबसे सख्त सामग्री इनेमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का पूर्ण पाचन होता है, कंप्लीट डाइजेशन, भोजन का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है? गाइज गाइज सभी एक से बढ़कर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए बार बार, वही क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा गाइज यहाँ पे छोटी आंत, भोजन का जो कंप्लीट डाइजेशन होता है छोटी आंत के अंदर होता है, जिसको बोला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसकी लंबाई होती है 6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन प्रणाली के सबसे बड़े हिस्से का नाम बताएगा। सबसे बड़े हिस्से देखिएगा, आहारनाल की लंबाई हमने देखा है अप्रॉक्सीमेट 10 मीटर होता है, जिसमें से 6 मीटर होते हैं छोटी आंत, 1.5 मीटर होती है अपनी बड़ी आंत, ठीक है। बाकी हिस्सा किसके किसके कवर होता है? ग्रसनी वगैरह से। तो गाइज सबसे बड़े हिस्से का नाम बताइएगा, तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत, लीवर की बात हो रही है, लीवर में कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित अपच भोजन कहलाता है। लीवर के अंदर कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो भी अपच भोजन है उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन है पल्प, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, या कार्बोहाइड्रेट। लीवर में कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित अपच भोजन कहलाता है ग्लाइकोजन, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन। गाइज वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा दबा के। निम्न में से कौन सा एंजाइम अमाशय से स्रावित होता है? ध्यान दीजिएगा यहाँ से आपसे एंजाइम पूछा गया है गाइज, आपसे अम्ल नहीं पूछा गया, अम्ल हो गया अपना HCl। अमाशय से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? एंजाइम का नाम आपको बताना है, रेनिन, पेप्सिन, जठर लाइपेज, या अग्नाशय लाइपेज। एंजाइम कौन सा स्रावित होता है गाइज अमाशय से? तो अपना आंसर हो जाएगा अग्नाशय लाइपेज, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइपेज, अग्नाशय लाइपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है? प्रोटीन का पाचन करना है तो कौन सा एंजाइम चाहिएगा? प्रोटीन का पाचन करना है तो कौन सा एंजाइम चाहिएगा? टाइलिन या लाइसोजाइम, पेप्सिन या लाइपेज। प्रोटीन का पाचन करने के लिए किस एंजाइम की जरूरत है? गाइस आंसर हो जाएगा पेप्सिन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? दूध में प्रोटीन कौन सा होता है गाइस? ऑप्शन है एल्ब्यूमिन, केसिन, जठर लाइपेज, या एक्टिन या मायोसिन। दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो गाइस यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर बनेगा केसिन। केसिन पाया जाता है दूध के अंदर, मुख्यतः प्रोटीन, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केसिन। HCl जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का श्रवण आहारनाल के किस भाग से होता है? आहारनाल के किस भाग से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का श्रवण किया जाता है गाइज? मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, अमाशय। गाइज ये सभी के सभी किसके भाग है? ये सभी के सभी आहारनाल के भाग है, आहारनाल के भाग है, ठीक है। यानी मुख गुहा हो गया, ग्रसनी, ग्रसिका, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब किसके भाग है? ये अपनी आहारनाल के भाग है। और HCl का श्रवण कहाँ से होता है गाइज? अमाशय से होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमाशय। पानी में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ने से दांतों में कौन सा रोग हो जाता है? तो दांतों में कौन सा रोग होता है? फ्लोराइड की वजह से, फ्लोराइड की वजह से दांतों में जो रोग होता है गाइज उसका नाम है फ्लोरोसिस, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लोरोसिस। फ्लोराइड की मात्रा बढ़ने से फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है मानव शरीर के अंदर? तो गाइज सबसे कठोर पदार्थ है अपना इनेमल, जो दांतों के अंदर पाया जाता है। दांत का सर्वाधिक भाग किससे बना हुआ होता है? दांत का सबसे ज़्यादा हिस्सा किस चीज़ से बना हुआ है? इनेमल से, डेंटाइन से, पल्प गुहा से, बताइएगा। दांत का सर्वाधिक भाग किससे मिलकर बना हुआ होता है? क्वेश्चन नंबर 18, आंसर हो जाएगा अपना डेंटाइन से। सर्वाधिक भाग पूछा गया गाइज, आंसर हो जाएगा डेंटाइन से मिलकर बना हुआ होता है, और सबसे कठोर होता है अपना इनेमल। इनेमल किससे मिलकर बना हुआ होता है गाइज? इनेमल का आपको फॉर्मूला बताना है, तो इनेमल बनता है गाइज CA3PO4 का होल ट्वाइस, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी CA3PO4 का होल ट्वाइस से मिलकर बनता है अपना इनेमल। इनेमल का फॉर्मूला एग्जाम में पूछे जा सकता है। मनुष्य के दांत होते हैं,
बताइएगा दांत किस किस प्रकार के होते हैं, कुछ काटने वाले होते हैं, कुछ चबाने वाले होते हैं, बताइएगा हेट्रोडेंट, थिकोडेंट, डाइफोडेंट या उपरोक्समी। तो गाइज मनुष्य के दांत तीनों चारों प्रकार से होते हैं, हेट्रोडेंट होता है, थिकोडेंट भी होता है, डाइफोडेंट भी होता है, आंसर हो जाएगा उपरोक्समी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांतों का अध्ययन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दांतों का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है, कौन सी शाखा में दांतों का अध्ययन किया जाता है। गाइज यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा ओडेंटोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा, ओडेंटोलॉजी के अंदर दांतों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज क्वेश्चन अपना अप्रॉक्सीमेट 100 है, थोड़ी स्पीड ज़्यादा है, आप स्लो कर सकते हो यूट्यूब सेटिंग में जाके। दांत किससे बने हुए होते हैं बताइएगा, अभी अभी हमने देखा Ca3PO4 का होल ट्वाइस, तो दांत किससे बने हुए होते हैं गाइज, तो आंसर हो जाएगा अपना कैल्शियम व फॉस्फोरस से। दांत एनिमल से बनता है, एनिमल का फॉर्मूला होता है Ca3PO4 का होल ट्वाइस, तो यहाँ पे कैल्शियम हो गया और फॉस्फोरस हो गया आप लोगों के सामने, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। दांत किससे मिल के बनते हैं, कैल्शियम व फॉस्फोरस से। दांतों का निर्माण कौन सी प्रोटीन से होता है, गाइज यहाँ से आपसे प्रोटीन पूछा गया है, दांतों के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा ओसिन, ऑप्शन नंबर बी ओसिन प्रोटीन पाया जाता है दांतों के अंदर। हाथी में कौन सा दांत गजदंत या टस्क दांत के रूप में बाहर निकला हुआ होता है, जो दो दांत बाहर निकले हुए होते हैं उन दांतों का नाम बताना है, कौन से दांत होते हैं जिनका नाम है टस्क दांत या गजदंत भी बोलते हैं, वो कौन से होते हैं गाइज, वो होते हैं ऊपरी जबड़े का इंसाइजर दांत। सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है कौन से दांत बाहर निकले होते हैं, टस्क दांत या गजदांत, और कहाँ पर होते हैं ये होते हैं ऊपरी जबड़े का इंसाइजर दांत। ऊपरी जबड़े का दांतों की कैटेगरी है, इंसाइजर हो गया, कैनाइन हो गया, ये सब दांतों के टाइप है गाइज, तो ऊपरी जबड़े का इंसाइजर दांत बाहर निकला हुआ होता है। मनुष्य की मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, तो गाइज कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, वो होती है 3 जोड़ी। लार ग्रंथि की पूछी गई है कितनी जोड़ी होती है, आंसर हो जाएगा 3 जोड़ी। लार की पीएच बताइएगा, पीएच वैल्यू बताइएगा गाइज, पीएच को बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, 0 से लेकर 14 तक इसकी स्केल होती है, 7 पे उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, इधर चलते हैं तो अपन अम्लीय होता है और इधर चलते हैं तो क्षारीय होता है। अगर यहाँ पे बात करें तो लार की पीएच गाइज जो होती है वो 6.8 से लेकर 7.2 तक होती है, ध्यान में रखना 6.8 से लेकर 7.2 तक होता है, तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा 6.8, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन, लाइसोजाइम या दोनों, लार के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा दोनों, टाइलिन भी पाया जाता है और लाइसोजाइम भी पाया जाता है, लार के अंदर दोनों एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने का कार्य कौन करता है, स्टार्च का माल्टोज में परिवर्तन किसके द्वारा होता है, स्टार्च का माल्टोज में परिवर्तन किसके द्वारा होता है गाइज, आंसर हो जाएगा टाइलिन के द्वारा, टाइलिन है स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देती है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कड़वे की जानकारी जीभ के किस भाग से प्राप्त होती है, जीभ है उसके द्वारा मीठा हो गया, कड़वा हो गया, तिक्का हो गया, अपने को पता चलता है, तो कड़वे की जानकारी किस भाग से प्राप्त होती है, तो गज आंसर हो जाएगा पश्चिम भाग से। आड़ नाल के किस भाग में भोजन का किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है, देखिएगा मुख से स्टार्ट होता है, उसके बाद में ग्रसनी में जाता है, ग्रसिका में जाता है, उसके बाद में अमाशय में जाता है, छोटी आंत में जाता है, बड़ी आंत में जाता है, आपको बताना कि किस भाग में भोजन का किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। गाइज ग्रसनी और ग्रसिका में पाचन नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, ग्रसनी और ग्रसिका दोनों के अंदर पाचन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाचन तंत्र श्वसन तंत्र का कॉमन भाग होता है, पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र उसका कॉमन भाग क्या कहलाता है गाइज, बताइएगा ग्रसिका कहलाएगी या ग्रसनी कहलाएगी, दोनों का कॉमन भाग क्या कहलाता है, आंसर हो जाएगा ग्रसनी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रसनी, ध्यान रखिएगा। ग्रसनी को इंग्लिश में बोला जाता है गाइज PHARYNX, ठीक है, ये बोला जाता है इसको ग्रसनी को। ग्रसिका को इंग्लिश के अंदर बोला जाता है गाइज OESOPHAGUS, ओसोफेगस, तो देखिएगा ग्रसिका को बोला जाता है ओसोफेगस, ग्रसनी को बोला जाता है फायरेनक्स। सबसे पहले मुख गुहा से स्टार्ट होता है, फिर ग्रसनी में जाता है, फिर ग्रसिका में जाता है, उसके बाद में ग्रहणी में जाता है, देखिएगा एक सीक्वेंस याद रखिएगा, आपको सीक्वेंस बताता हूँ, सबसे पहले मुख गुहा से ग्रसनी, ग्रसनी के बाद में जाता है अपना ग्रसिका, ग्रसिका के बाद में जाता है ग्रहणी, ग्रहणी के बाद में जाता है अपना, ये ग्रहणी किसके भाग है, ये छोटी आंत के भाग है गाइज, छोटी आंत के भाग है, एक तो ग्रहणी हो गया, एक मध्यांतर हो गया, एक शेषांतर हो गया, ये तीनों भाग है छोटी आंत के, और छोटी आंत के बाद में जाता है बड़ी आंत में, सीक्वेंस आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन ग्रसनी के किस भाग से होता हुआ अमाशय तक पहुंचता है, ग्रसनी, ग्रसनी को बोलते अपन फायरेनक्स,
ग्रसनी से होता हुआ अमाशय तक किसके द्वारा पहुंचता है? तो गाइज वो पहुंचता है ग्लट, गले के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ग्लट ऑप्शन नंबर सी के द्वारा। ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से जाना जाता है, ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो गाइज ये जाना जाता है एपिक लोटस, एपिक लोटस को ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से जाना जाता है। जठर रस या गैस्ट्रिक जूस भी बोल सकते हैं इसको, गैस्ट्रिक जूस या जठर रस का श्रवण कहाँ से होता है? जठर रस का श्रवण कहाँ से होता है गाइज? इसका श्रवण होता है अमाशय से, अमाशय से इसका श्रवण होता है। दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? आंसर हो जाएगा कैसिन। दूध में उपस्थित कैसिन नामक प्रोटीन को कैल्शियम पैरा कैसिनेट में परिवर्तित करने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है? प्रोटीन को कैल्शियम पैरा कैसिनेट में परिवर्तित करने का कार्य किस एंजाइम के द्वारा किया जाता है? आंसर हो जाएगा रेनिन एंजाइम के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अमाशय में प्रोटीन को पेप्टोन व प्रोटियोज में परिवर्तित कौन करता है? प्रोटीन को पेप्टोन और प्रोटियोज में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है अमाशय के अंदर? आंसर हो जाएगा गाइज पेप्सिन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा पेप्सिन। गाइज वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा नहीं किया हो तो। अमाशय में वसा की पाचन की शुरुआत कौन सा एंजाइम करता है? अमाशय के अंदर बात हो रही है, वसा का पाचन है, उसकी शुरुआत है कौन सा एंजाइम करता है? एंजाइम का नाम पूछा गया गाइज, टाइलिन, लाइसोजाइम, जठर लाइपेज या ट्रिप्सिन, क्या आंसर बनेगा वसा का पाचन? तो गाइज आंसर होगा जठर लाइपेज, ऑप्शन नंबर सी जठर लाइपेज एंजाइम का नाम है, एंजाइम का नाम है जठर लाइपेज। HCl का श्रवण अमाशय में स्थित कौन सी कोशिकाओं से होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, अपने को ये तो पता है कि HCl का श्रवण अमाशय से होता है, लेकिन अमाशय की किस कोशिकाओं से होता है, उन कोशिकाओं का नाम पूछा गया है। तो गाइज उन कोशिकाओं का नाम है ऑक्सेंटिक और या पेराइटल कोशिकाएं, कोशिकाओं का नाम पूछा गया है। अमाशय के अंदर स्थित होते ऑक्सेंटिक या पेराइटल कोशिकाओं से HCl का श्रवण होता है। HCl का कार्य क्या है? HCl का कार्य क्या है? जीवाणुओं को नष्ट करना, टाइलिन के प्रभाव को निष्क्रिय करना, निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय करना या उपरोक्त सभी? तो गाइज आंसर हो जाएगा सभी, जीवाणुओं को नष्ट करना, टाइलिन के प्रभाव को निष्क्रिय करना, निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय करना, उपरोक्त सभी। अमाशय में पाचन के बाद भोजन को किस नाम से जाना जाता है? अमाशय के अंदर भोजन का पाचन हो चुका है, अब बताना है आपको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है काइम के नाम से, ध्यान में रखना है काइम। अमाशय को HCl के प्रभाव से बचाने का कार्य, सब पाचन से बचाने का कार्य कौन करता है? HCl के प्रभाव से बचाने का कार्य या खुद के पाचन बचाने का कार्य कौन करता है? तो ये करता है गाइज श्लेष्मा, श्लेष्मा के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का सर्वाधिक पाचन व अवशोषण कहाँ होता है? क्वेश्चन देखिएगा, भोजन पूछा गया है गाइज, जल्दबाजी में गलत मत कर देना, भोजन पूछा गया तो इसके लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटी आंत। यदि आपसे जल पूछते हैं यहाँ पे, जल का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ पे होता है, तब आपका आंसर हो जाता है बड़ी आंत के अंदर। तो क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा भाग अमाशय से जुड़ा हुआ होता है? देखिए गाइज छोटी आंत के तीन भाग हैं, एक तो होता है ड्यूडेनम, ड्यूडेनम होता है एक, तो ड्यूडेनम एक होता है, जेजुनम, जेजुनम और एक होता है इलियम, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। डेडुनम को बोला जाता है ग्रहणी, जेजुनम को बोला जाता है मध्यांतर और इलियम को गाइज बोला जाता है शेषांतर। और सिक्कम ये किसी का भाग है? ये बड़ी आंत का भाग है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में, छोटी आंत का कौन सा भाग अमाशय से जुड़ा हुआ है? आंसर हो जाएगा गाइज यहाँ पे आपका ग्रहणी, ड्यूडेनम। देखिएगा ये तीनों के तीनों भाग है छोटी आंत के, और ये भाग है आपका बड़ी आंत का, CECUM बोलते हैं इसको, सिक्कम, ठीक है। इंग्लिश टर्म भी ध्यान रखिएगा, ड्यूडेनम को बोला जाता है ग्रहणी, जेजुनम को बोला जाता है मध्यांतर और इलियम को बोला जाता है शेषांतर, तीनों किसके भाग है? छोटी आंत के हैं। लीवर, यकृत, जिगर, लीवर भी बोल सकते हो, यकृत भी बोल सकते हो, जिगर भी बोल सकते हो, जिगर से संबंधित अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है? विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है इनका अध्ययन? हिपेटोलॉजी, हिपेटोलॉजी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी गई गाइज, तो सबसे बड़ी ग्रंथि है अपनी लीवर या यकृत या जिगर। कौन सा कथन लीवर या यकृत के संबंध में असत्य है? गलत स्टेटमेंट आपको बताना है यहाँ पे। पीतरस, बाइल जूस का श्रवण पित्ताशय से होता है, गलत। बाइल जूस का श्रवण होता है गाइज लीवर से, पहला गलत है।
असत्य पूछा गया, ये अपना आंसर हो जाएगा। लीवर से पीतरस का श्रवण होता है, बाइल जूस का श्रवण होता है, बिल्कुल सही है। यकृत कोशिकाएं कैरोटीन से विटामिन ए का संश्लेषण करती है, बिल्कुल सही है। अमोनिया से आर्नितिन चक्र के द्वारा यूरिया का निर्माण लीवर में होता है, बिल्कुल सही है। यूरिया का निर्माण लीवर में होता है, तीनों सही है। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीत रस का श्रवण होता है लीवर से और पित्ताशय में इसका स्टोर होता है। कपूर कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? कपूर कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? गाजी ये पाई जाती है लीवर के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कपूर कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? लीवर के अंदर। पूर्ण पाचक रस की संज्ञा किसे दी गई है? पूर्ण पाचक रस की संज्ञा किसे दी गई है? आंसर हो जाएगा अग्नाशय रस को। अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस की संज्ञा दी गई है। पीत रस का संग्रहण या संचित कहाँ पे होता है? तो इसका संचरण होता है, ये संचित किया जाता है पित्ताशय के अंदर या गॉल ब्लैडर के अंदर। बिलिरुबिन ये बिलीवर्डिन वर्णक कहाँ पाए जाते हैं? गाइस ये वर्णक के नाम है बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन, वर्णक कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं गाइस पीत रस के अंदर। बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन वर्णक पाए जाते हैं पीत रस में। वसा का पायसीकरण या इमल्सीकरण कौन करता है? वसा का पायसीकरण इमल्सीकरण किया जाता है गाइस पीतरस के द्वारा। पायसीकरण इमल्सीकरण किया जाता है पीतरस के द्वारा। भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ से होता है? भ्रूण को बोला जाता है एम्ब्रायो, एम्ब्रायो बोला जाता है। इसका निर्माण कहाँ होता है आरबीसी का निर्माण? तो इसका निर्माण लीवर और प्लिया दोनों के अंदर होता है, ध्यान रखिएगा। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण होता है दोनों जगह, और एडल्ट के अंदर आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा या बोन मैरो के अंदर, ठीक है, और प्लिया के अंदर खत्म हो जाती है। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन क्या कहलाता है? ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन क्या कहलाता है? ये कहलाता है ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस। जीव जंतुओं का संचित भोजन किसे कहा जाता है? जीव जंतुओं का संचित भोजन, जीव जंतुओं का पूछा गया गाइस, तो जीव जंतुओं का होता है ग्लाइकोजन, और पादपों का होता है स्टार्च के रूप में संचरण होता है। पादप है वो अपना भोजन स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं, और जीव है जंतु है वो करते हैं ग्लाइकोजन के रूप में। लीवर की कोशिकाएं जो भक्षकणों की तरह कार्य करती है कौन सी है? लीवर की कोशिकाएं जो भक्षकणों की तरह कार्य करती है उन कोशिकाओं को बोला जाता है कपूर कोशिकाएं। कपूर कोशिकाएं लीवर का भाग है जो भक्षकणों की तरह कार्य करती है। लीवर कोहन की दरारें पाई जाती है, किसके अंदर पाई जाती है? ये गाइज पाई जाती है ग्रहणी और इलियम के अंदर, ड्यूडेनम और इलियम शेषांतर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी लार ग्रंथि का नाम है गाइज पैरोटिड, सबसे बड़ी लार ग्रंथि का नाम है पैरोटिड। लैंग्रहैंस द्वीप कोशिकाएं कहाँ स्थित होती है? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैंग्रहैंस द्वीप कहाँ पे स्थित होते हैं? लीवर, लार, पीयूष, अग्नाशय। लैंग्रहैंस द्वीप के अंदर अल्फा बीटा डेल्टा कोशिकाएं होती हैं जो पाई जाती है अग्नाशय के अंदर। इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? लैंग्रहैंस द्वीप से होता है। लैंग्रहैंस द्वीप की कौन सी कोशिकाओं से होता है? बिट्टा कोशिकाओं से। आंसर हो जाएगा यहाँ पे अग्नाशय ग्रंथि। इंसुलिन हार्मोन का श्रवण अग्नाशय या पेनक्रियाज ग्रंथि से होता है। इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, सभी एक से बढ़कर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर हो जाएगा बेटिंग वे बेस्ट। इंसुलिन हार्मोन की खोज की गई थी बेटिंग वे बेस्ट। इंसुलिन हार्मोन होता है लैंग्रहैंस द्वीप की बिट्टा कोशिकाओं से। आहारनाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है जो अप्रोक्सीमेट 6.5 मीटर होता है? सबसे लंबा भाग होता है गाइजी यहाँ पे आपका छोटी आंत, देखिएगा मुख, मुख गुहा, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सभी के सभी किसके भाग होते हैं? आहारनाल के भाग होते हैं। तो सबसे लंबा भाग हो गया छोटी आंत। इंसुलिन हार्मोन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो इंसुलिन की कमी से जो रोग होता है डायबिटीज रोग होता है, मधुमेह रोग। अग्नाशय ग्रंथि से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? अग्नाशय की बात करें तो पेनक्रियाज, पेनक्रियाज से कौन कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं? लाइपेज, ट्रिप्सिन, काई, माइट्रोप्सिन, एमाइलेज, कार्बोक्सी पेप्टिड। आंसर हो जाएगा गाइस यहाँ पे अप्रोक्सिमेट। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, अग्नाशय ग्रंथि से ये सभी एंजाइम स्रावित होते हैं। एंजाइम पूछे गए गाइस, हार्मोन नहीं पूछे गए हैं। वसा का अवशोषण कौन सी कोशिकाओं से होता है? वसा का अवशोषण कहाँ से होता है गाइस? लैक्टियल कोशिकाएं या लसिकाओं से। वसा का अवशोषण होता है लैक्टियल कोशिकाएं या लसिकाओं से। गाइज इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे, अप्रोक्सीमेट 100 क्वेश्चन लेंगे अपन, और इससे बाहर आपको पाचन तंत्र से संबंधित कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा एंड तक ताकि आपके हर क्वेश्चन कवर हो जाए। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? द
ध्यान दीजिएगा, बड़ी आंत का मुख्य कार्य होता है जल का अवशोषण करना, छोटी आंत का कार्य होता है भोजन का अवशोषण, बड़ी आंत का जल का अवशोषण। मल के अंदर दुर्गंध निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? दुर्गंध आती है किसकी वजह से होता है? गाइस ये दुर्गंध आती है एंडोल व स्केटोल की वजह से, एंडोल व स्केटोल की वजह से दुर्गंध आती है, ऑप्शन नंबर ए। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स या जिसको अपन बोल सकते हैं अवशेषी अंग, बड़ी आंत के किस भाग से जुड़ी होती है, किस भाग से जुड़ी हुई होती है ये? तो गाइस ये जुड़ी होती है सिकम से, सी ई सी यू एम बोलते हैं अपन। गाइस अपेंडिक्स होता है जो एक अवशेषी अंग है, जिसको काट के फेंक दो सही, अवशेषी अंग होता है ये, जो बड़ी आंत होती है उसके सिकम भाग से जुड़ी हुई होती है। मम्प्स बीमारी में किस ग्रंथि में सूजन, जलन और दर्द होता है, किस ग्रंथि में होता है ये, उस ग्रंथि का नाम बताना है, उस ग्रंथि का नाम है पैरोटिड ग्रंथि। मम्प्स बीमारी के दौरान पैरोटिड ग्रंथि होती है, उसके अंदर सूजन, जलन व दर्द होता है। सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? आंतरिक अंग, अंग पूछा गया गाइस, आंसर हो जाएगा यहाँ पे लीवर, सबसे बड़ा आंतरिक अंग लीवर। सर्वाधिक पुनः रुद्र भवन की क्षमता किसके अंदर पाई जाती है? फिर से बढ़ने की क्षमता, फिर से कवर होने की क्षमता किसके अंदर पाई जाती है? लीवर के अंदर। जहरीले भोजन को अविषाक्त बनाने का कार्य कौन करता है, यानी जो जहरीला भोजन है उसको न्यूट्रल करने का काम किसके द्वारा होता है? ये होता है लीवर के द्वारा, ठीक है, लीवर के द्वारा। लीवर से बाइल जूस का श्रवण होता है जो भोजन को क्षारीय बना देता है। कौन सा भाग बड़ी आंत का नहीं है? सिकम, कोलन, रेक्टम, इलियम। देखिएगा ये तीनों के तीनों बड़ी आंत के भाग है, इलियम छोटी आंत का भाग है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा बड़ी आंत के भाग कौन कौन से है, सिकम, कोलन, रेक्टम, ठीक है, और छोटी आंत के भाग कौन कौन से हैं, इलियम हो गया, डेडुनम हो गया, जेजुनम हो गया, ये सब छोटी आंत के भाग हैं। छोटे आंत के भाग कौन कौन से हो गए, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। पेट में भोजन पचाने के लिए निम्न में से किसकी खास आवश्यकता होती है? भोजन पचाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? एंजाइम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। पेप्सिन क्या है, पेप्सिन क्या है गाइज, पेप्सिन एक एंजाइम है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार के अंदर गाइज जो एंजाइम पाया जाता है उसका नाम है टाइलिन, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है लार में। पचे हुए भोजन से विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है, यानी उसको नष्ट कर देता है, तो उसको नष्ट करता है, विषैले पदार्थ का अवशोषण कौन सा अंग करता है गाइज, लीवर करता है, यकृत, ठीक है। ऐ विषैले पदार्थ होते हैं उनको न्यूट्रल करने का काम किया जाता है लीवर के द्वारा, यकृत के द्वारा, जिगर के द्वारा। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? प्रोटीन किसके अंदर बदल जाते हैं, एमिनो एसिड के अंदर। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं एमिनो एसिड। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, आंत भी है, लीवर भी है, पित्ताशय भी है, कार्निया, कार्निया आंखों का हिस्सा है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्निया पाचन तंत्र का भाग नहीं है। लार किसके पाचन में सहायक होती है, लार किसके पाचन में सहायक होती है गाइज, लार होती है स्टार्च के पाचन में, ऑप्शन नंबर सी। किसको पचाने में लार मदद करती है, किसको पचाने में लार मदद करती है, आंसर हो जाएगा अपना स्टार्च। कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख एंड प्रोडक्ट है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन का एंड प्रोडक्ट क्या है गाइज, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। लाइपेज नाम का एंजाइम जो कि वसा के पाचन में भूमिका निभाता है, लाइपेज किसके द्वारा स्रावित होता है, लाइपेज का श्रवण किसके द्वारा किया जाता है गाइज, लाइपेज का श्रवण किया जाता है अग्नाशी के द्वारा, आप अग्नाशी लाइपेज भी बोल सकते हो इसको, जो एक एंजाइम है जो वसा के पाचन में भूमिका निभाता है। शरीर में बाइल जूस कहाँ पे जमा होता है, तो बाइल जूस जमा होता है गाइज गॉल ब्लैडर या पित्ताशय के अंदर, जमा पूछा गया है, जमा होता है गाइज पित्ताशय के अंदर और उत्पादन होता है लीवर के अंदर। किस भाग में पीतरस का उत्पादन होता है, उत्पादन होता है इसका लीवर के अंदर, यकृत के अंदर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लीवर से जो बाइल जूस निकलता है इस जूस का कार्य क्या होता है, इस जूस का कार्य होता है गाइज भोजन को क्षारीय बनाना, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भोजन को क्षारीय बनाना। भोजन को अम्लीय कौन बनाता है, SCL बनाता है जो अमाशय से स्रावित होता है। सही उत्तर का चयन कीजिए कि जो सिग्मोइड कोलन है किसका भाग है, सिग्मोइड कोलन किसका भाग है गाइज, ये बड़ी आंत के भाग हैं, अभी अभी हमने देखे थे कोलन हो गए, रेक्टम हो गए, ये सब किसके भाग है, ये बड़ी आंत के भाग हैं। छोटी आंत के भाग कौन कौन से हो गए, ड्यूडेनम, जेजुनम,
और इलियम। ड्यूडेनम किसका भाग है? ड्यूडेनम किसका भाग है? ड्यूडेनम को बोला जाता है गाइस गृहिणी। किसका भाग है ये? ये छोटी आंत का भाग है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। एंजाइम क्या चीज़ है? एंजाइम क्या चीज़ है? एक प्रोटीन है। तो गाइस ये था अपना पाचन तंत्र से संबंधित टॉप मोस्ट अप्रॉक्सीमेट 100 क्वेश्चन थे। इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, इसी प्रकार से अपन सभी टॉपिक वाइज कवर करेंगे, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी आप देखोगे तो 30-40 क्वेश्चन कहीं पर देखने को मिलते हैं, लेकिन अपने चैनल पर आप लोगों को पूरे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।